तो एलसीआर सर्किट को समझने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि एलसी सर्किट कहा जाता है, जिसमें एक इंडक्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है। आप देखेंगे कि यहाँ एक सर्किट बनाया गया है जिसमें एक इंडक्टर दिखाया गया है और एक कैपेसिटर दिखाया गया है। इसमें एक सोर्स है, एसी सोर्स है, जिसका ईएमएफ दिया गया है ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अभी पिछले केस में हमने जो स्टेप्स पढ़े हैं वो सारे स्टेप्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें निकालना होगा रिएक्टेंस को, है ना। तो रिएक्टेंस होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी। तो यहाँ पर इंडक्टर भी है और साथ में कैपेसिटर भी है, तो रिएक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी इतनी, है ना। और अब देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी रेजिस्टर नहीं है, इसलिए जब हम लोग इम्पीडेंस की वैल्यू निकालेंगे तो इम्पीडेंस जो आएगा जेड, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर आर जीरो है, इसलिए जेड की वैल्यू एक्स के इक्वल यानी ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी होगी। ठीक, इसको हम लोग एक फेजर डायग्राम से भी समझेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि एक फेजर डायग्राम बनाया गया है जिसमें ऊपर दिखाया गया है इंडक्टिव रिएक्टेंस, नीचे दिखाया गया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और जो कि रेजिस्टेंस जो है वो जीरो है, इसलिए है ना इसको R इक्वल टू जीरो लिखा गया है। तो ये जो एक्स एल है और एक्स सी है, इनका रिजल्टेंट आएगा कुछ इस तरह से एक्स एल माइनस एक्स सी इज इक्वल टू एक्स, और ये R है जीरो। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं कि जब हम लोग जेड की वैल्यू निकालेंगे, चूंकि R जीरो है तो ये एक तरह से जेड के इक्वल भी होगा। और जो हम लोग बात करते हैं फेज डिफरेंस की, तो फेज डिफरेंस जो है वो आएगा पाई बाई टू। ये प्लस पाई बाई टू भी हो सकता है, माइनस पाई बाई टू भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एक्स एल बड़ा हो एक्स सी से तो पॉजिटिव आएगा पाई बाई टू, जब एक्स सी बड़ा हो जाएगा एक्स एल से तो निगेटिव में पाई बाई टू आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है, जिसको कि हम लोग कहते हैं फाई, तो टैन फाई निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं एक्स बाई आर, और एक्स जो है यहाँ पर जो भी है इसको लिखते हैं ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी, और आर का वैल्यू है जीरो। तो ये जो है ये प्लस माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, और इस हिसाब से फाई की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस पाई बाई टू हो सकती है, है ना। हमें नहीं पता कि इसमें ओमेगा एल बड़ा है या वन बाई ओमेगा सी बड़ा है। ठीक, तो जो भी आएगा इस फाई के हिसाब से हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस करंट का जो इक्वेशन हमने बताया वो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ई नॉट बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो यहाँ पर ई नॉट रखेंगे और जेड जो है वो रिएक्टेंस के इक्वल है, तो ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी। इसका हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना होता है ना, जेड निगेटिव नहीं होता। और इसमें लिखेंगे साइन ओमेगा टी, फाई की वैल्यू जैसा कि हमने देखा प्लस माइनस पाई बाई टू हो सकता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस पाई बाई टू लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट। तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं बता सकते कि करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है वोल्टेज से, है ना, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडेंट है। तो ऐसे कह सकते हैं कि इफ़ ओमेगा एल इज ग्रेटर देन वन बाई ओमेगा सी, देन वोल्टेज लीड्स बाई करेंट,
या यूं लिखेंगे वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय टू इफ ओमेगा एल इज लेस देन वन बाय ओमेगा सी, तो निगेटिव में आएगा है ना, तो कह सकते हैं देन वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाई पाई बाई टू। ठीक, तो हमने करंट निकाल लिया, फेज डिफरेंस निकाल लिया, अब हमें वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू है वो है वीएल, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू है वीसी, और जो सोर्स है जो अप्लाइड वोल्टेज है इसके क्रॉस आरएमएस वोल्टेज है वी। ठीक, तो इनमें एक स्पेशल रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हम लोग ऐसे कह दिखा सकते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पर एक्सएल है जो हमने पीछे डायग्राम बनाया था, अभी फेजर डायग्राम वही वाला डायग्राम है ना। बस हम लोग क्या करेंगे इसमें कि करंट के आरएमएस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें आई आरएमएस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और इसमें आरएमएस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक, तो यहां पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी था यहाँ पर, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि इनमें आरएमएस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आरएमएस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद ये फाइनली ये बचेगा वी एल माइनस वी सी, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं वी एल माइनस वी सी। अब हो सकता है कि VL बड़ा हो VC से तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर VL छोटा हो तो नीचे भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो भी होगा क्योंकि VR जो है वो जीरो है ना, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टर क्योंकि है नहीं तो VR यहाँ पर जीरो है। तो जो हम लोग कहते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज निकालना हो तो हमें लिखना चाहिए इस तरह से VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर VR जो है वो ज़ीरो है तो अप्लाइड वोल्टेज हो जाएगा VL माइनस VC। ठीक है, यहाँ पर ये VL माइनस VC है। तो अब डायग्राम में एक बार देखें, यहाँ पर जो सर्किट हमने बनाया था, अगर VL पता हो और VC पता हो तो हम लोग ये V निकाल सकते हैं जो अभी फॉर्मूला हमने बताया उससे, यानी कि V की जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग लिखेंगे VL माइनस VC, है ना। जो भी हो हमें वोल्टेज का जो आरएमएस वैल्यू है उसका पॉजिटिव वैल्यू निकालना होता है, तो वीएल बड़ा हो या वीसी बड़ा हो इसका मॉड निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, जैसा कि हमने अभी पिछले केस में एलसीआर सर्किट में पढ़ा था कि एक रेजोनेंस का कंडीशन होता है, वैसा ही रेजोनेंस का कंडीशन यहाँ भी आ सकता है ना। वो तब आएगा जब एक्स जो है वो जीरो हो जाए, रेजोनेंट एलसी सर्किट, रेजोनेंट एलसी सर्किट। इसमें क्या करेंगे, एक्स को हम लोग कर देते हैं जीरो, यानी एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी हो जाएगा, तो ओमेगा एल इज इक्वल टू वन बाई ओमेगा सी, तो ओमेगा नॉट जो है यानी कि जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है वो फिर से उतना ही आता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे करंट का और फ्रिक्वेंसी का ग्राफ बनाया गया है, तो अगर
फ्रिक्वेंसी जो है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी तो करंट जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। अब हम लोग नेक्स्ट सर्किट के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है LR सर्किट, यानी इसमें एक इंडक्टर होता है और एक रेजिस्टर होता है। देखेंगे नीचे एक AC सर्किट दिखाया गया है जिसमें कि एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है, ठीक। साथ में एक AC सोर्स है जिसका EMF दिया गया है E0 साइन ओमेगा टी। तो इस सर्किट में हमें अगर करंट की वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए हम लोग वही स्टेप फॉलो करेंगे जो भी पिछले केसेज में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले निकालते थे रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस की जो वैल्यू है यहाँ पर आएगी XL माइनस XC। चूंकि कैपेसिटर इस सर्किट में है नहीं इसलिए रिएक्टेंस हो जाएगा ओमेगा L के इक्वल। उसी तरह से जब हमें इम्पीडेंस निकालना होगा, ना जब इम्पीडेंस निकालना होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे जेड इज इक्वल टू अंडर रूट X² प्लस R² का रूट। तो X की वैल्यू अपने पास है ओमेगा L, ये रखेंगे, और रेजिस्टेंस है R, तो ये इम्पीडेंस हो गया। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फेजर डायग्राम भी दिखाया गया है। तो इस फेजर डायग्राम में हमने दिखाया है इंडक्टिव रिएक्टेंस और यहाँ पर है रेजिस्टेंस, ठीक। तो ये दोनों को हम लोग यहाँ पर एक वेक्टर जैसा ट्रीट करते हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आता है इम्पीडेंस, और इसको हमने लिखा है XL² प्लस R², है ना। इसको यही जेड जो है यहाँ पर ऐसे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फेज डिफरेंस की। EMF और करंट के बीच में फेज डिफरेंस निकालना हो फाई, तो इस फेजर डायग्राम से ही निकलेगा। टैन फाई की जो वैल्यू है हमारे हिसाब से होता है X/R, यानी XL माइनस XC/R। तो ये यहाँ पर ओमेगा एल आएगा क्योंकि XC0 है बाई आर, ठीक। तो यहाँ से जब एक बार फाई निकल जाए, फाई की वैल्यू होगी टैन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। तो देखेंगे कि फाई की जो वैल्यू है यहाँ से पॉजिटिव में आएगी, है ना। तो अब अगर हमें इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू निकालनी हो तो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस तरह से E0/Z साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये तो हमने बेसिक इक्वेशन बताया था। अब यहाँ पर जेड की वैल्यू रखेंगे, जेड की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है, यह है ओमेगा² L² प्लस R² का रूट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये जो फाई है पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर फाई की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू फिर यहाँ से निकलेगी, ठीक। तो मतलब इस सर्किट हम देख सकते हैं कि जो फाई है ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब कि वोल्टेज लीड करेगा, है ना। इन दिस सर्किट, वोल्टेज लीड्स बाय करंट बाय फेज डिफरेंस फाई, ठीक। तो हमने फेज डिफरेंस पता कर लिया, इंस्टेंटेनियस करंट पता कर लिया, अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करने की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर जो हमने फेजर डायग्राम बनाया है, इसी डायग्राम में अगर XL के साथ में
आई आर एम एस से मल्टीप्लाई कर दें, रेजिस्टेंस के साथ में आई आर एम एस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। तो देखेंगे यहाँ पर हमने वो फेजर डायग्राम फिर से बनाया है, जहाँ पर हमने क्या किया कि एक सेल के साथ में आई आर एम एस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। उसी तरह से R में आर एम एस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया करंट का, तो ये हो गया आर एम एस वैल्यू अक्रॉस रेजिस्टर। तो इसी ग्राफ को अगर यहाँ बनाया फिर से, तो ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो कि आर एम एस वैल्यू है, और ये हो गया आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे ये बताएगा अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर का रूट, यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है ये फाई होगा, ठीक है। तो हम लोग ये सर्किट देखें एक बार, सर्किट में देखेंगे कि जो इंडक्टर है इसके क्रॉस वोल्टेज का आर एम एस वैल्यू है वी एल, रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज का आर एम एस वैल्यू है वी आर, है ना, और ये जो सोर्स है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका आर एम एस वैल्यू होगा वी। तो वी में और वी एल वी आर में एक रिलेशन अभी हमने निकाला, ये रिलेशन आया है, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं वेयर वी इज आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आर एम एस वैल्यू इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, वी एल इज आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है। तो ये इंडक्टर के अक्रॉस आर एम एस वैल्यू हो गया। इसी तरह से जो वी आर है ये है वी आर इज आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, है ना, यहां पर लिखेंगे रेजिस्टर, और जो वी है वो है आर एम एस अप्लाइड वोल्टेज, वी इज आर एम एस वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो यहां से हम लोग वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट सारे चीजें निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो फेजर डायग्राम बनाया है इस फेजर डायग्राम में हम लोग वोल्टेज के लिए सिर्फ आर एम एस वैल्यूज ही लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एसी सर्किट पढ़ते हैं। इस सर्किट को कहा जाता है आरसी सर्किट, जिसमें कि एक रेजिस्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है। तो देखेंगे कि नीचे वो एसी सर्किट दिखाया गया है जिसमें कि एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। एक एसी सोर्स दिखाया गया है जिसका ईएमएफ वेरी करता है कुछ इस तरह से, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग वो सारे स्टेप्स कंप्लीट करेंगे जो अभी हमने पीछे के सर्किट्स में सीखा है। तो रिएक्टेंस की वैल्यू हमें निकालेंगे x इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी, है ना, एक्स एल तो इसमें जीरो है तो यह आएगा माइनस वन बाई ओमेगा सी, ठीक। जब इम्पीडेंस निकालेंगे तो इम्पीडेंस हो जाएगा जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर वो वन बाई ओमेगा सी है, तो वन बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, ये आ गया इम्पीडेंस। हम देखेंगे कि यहाँ पर एक फेजर डायग्राम बना हुआ है, तो फेजर डायग्राम में जो एक्स सी है यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये नीचे दिखाया गया है और रेजिस्टर दिखाया गया है इधर, है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस होता था तो उसको हम लोग ऊपर की तरफ दिखाते थे, इसमें वो है नहीं।
ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि आर और एक्स सी दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो ये आ जाएगा जेड। जेड की वैल्यू हम लोग कहते हैं कि एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट आएगा, जो कि इतना आएगा जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है। अच्छा, फेज डिफरेंस निकालेंगे तो फेज यहाँ पर निगेटिव में आएगा, है ना। एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं तो पॉजिटिव माना जाता है, ये क्लॉकवाइज आया है तो इसलिए ये निगेटिव आएगा। ठीक, तो जो भी होगा हम लोग टैन फाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। तो टैन फाई की वैल्यू हमें लिखना चाहिए एक्स बाई आर, और ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, ये हो जाएगा माइनस वन बाई ओमेगा सी बाई आर। तो देखेंगे कि माइनस साइन है इसलिए फाई की वैल्यू निगेटिव में आएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू निकालनी हो तो माइनस साइन हटा करके भी फाई की वैल्यू पॉजिटिव में निकाल सकते हैं। जो भी है हम लोग यहाँ से फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब आता है बारी इंस्टेंटेनियस करंट की। तो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं वो आता है I इज इक्वल टू आई नॉट। आई नॉट यानी कि इसको लिख सकते हैं ई नॉट बाई जेड, ये हो जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, तो ई नॉट जो है ई नॉट बाई जेड की वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट किया वो रखेंगे, जो कि आएगा वन बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। माइनस के जगह पर हम लोग प्लस कर सकते हैं, प्लस मैं इसको डेल्टा लिख रहा हूँ, जहाँ पर डेल्टा की वैल्यू हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं टैन डेल्टा जो होगा वो हो जाएगा वन बाई ओमेगा आर इंटू सी। मतलब हमने क्या किया कि इस जो माइनस है हमें पहले से पता है कि माइनस होगा, तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू लिखेंगे वन बाई ओमेगा आर इंटू सी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब फाई पॉजिटिव होता था तो कहते थे कि वोल्टेज लीड कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये फाई पॉजिटिव, यहाँ माइनस साइन होता था तो कहते थे वोल्टेज लीड कर रहा है और फाई पॉजिटिव होता था, लेकिन अब यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक, और ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये प्लस हो गया, इसका मतलब वोल्टेज यहाँ पर लैग करेगा। तो कह सकते हैं कि वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय डेल्टा। डेल्टा की जो वैल्यू है वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टैन इनवर्स वन बाई ओमेगा आर सी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फेज डिफरेंस और इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं जो वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू है उनको रिलेट करते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पर रेजिस्टर है और रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू है वीआर, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू है वीसी, और जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका आरएमएस वैल्यू है वी। तो इसको निकालने के लिए हमें ये वाला फेजर डायग्राम जो है फिर से बनाना पड़ेगा, उसमें आरएमएस करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है, फेजर डायग्राम बना हुआ है। बस हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक्स सी में आरएमएस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया वी सी। उसी तरह से रजिस्टर में आरएमएस करंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा वी आर, है ना। तो यही डायग्राम फिर से दोबारा देखेंगे यहाँ बना हुआ है। ये एंगल जो है फेज डिफरेंस है ना, इसको हम लोग
डेल्टा लिख सकते हैं इसे। अब हमें अप्लाइड वोल्टेज निकालना हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर का रूट। यहां से अप्लाइड वोल्टेज लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर भी आप चाहें तो चूंकि फाई जो है नेगेटिव आएगा, है ना, वो यहां से हमें पता चल रहा है, चाहें तो आप यहां पर डेल्टा लिख सकते हैं, है ना। डेल्टा जो है जस्ट एंगल बताएगा, ये इस फाई के अंदर माइनस छुपा हुआ है, जो कि इस डेल्टा जो है ये पॉजिटिव वैल्यू बताएगा। हमने डायरेक्शन दिखा दिया पहले कि नीचे की तरफ है। तो इस तरह से हमने कुल मिला करके जो है वो चार पांच सर्किट पढ़े हमने, है ना। एक तो सिंगल एलिमेंट्स वाले सर्किट पढ़े हमने, जिसमें कि सिर्फ रजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, तीन वो हो गए। फिर एक हमने पढ़ा एलसीआर सर्किट, जिसमें कि तीनों थे, ठीक। और उसके बाद हमने तीन और सर्किट पढ़े, है ना। वो सर्किट था जैसे कि ये आरसी सर्किट हो गया, फिर एलसी सर्किट हो गया, फिर एलआर सर्किट हो गया, ठीक। तो कोई भी सर्किट हो, ये स्टैंडर्ड तरीका हमें लगाना है। पहले रिएक्टेंस निकालना है, फिर इंपेडेंस निकालना है, फेजर डायग्राम बनाना है, तब इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू निकालनी है, वोल्टेज निकालने के लिए फिर से फेजर डायग्राम बनाएंगे, और जब भी वोल्टेज निकालनी हो इस फेजर डायग्राम से तो ध्यान रखना है, या तो हम आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, या पीक वैल्यू निकाल सकते। इंस्टेंटेनियस के लिए ये तरीका सही नहीं है। इंस्टेंटेनियस निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग करंट निकालेंगे, है ना। एक बार करंट निकल जाएगा तो वोल्टेज निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस। उसमें हमें ध्यान रखना होगा फेज डिफरेंस का, ठीक।